So alright guys, the base laptop under 30,000 to 40,000 that you should buy in 2024. और भाई सबसे मजे की बात, Flipkart में चल रहा है बिग सेविंग्स डे और Amazon में चल रहा है ग्रेट समर डे सेल, तो लैपटॉप के प्राइसेस काफी ज्यादा कम हो गया है और एट द एंड आपको 40,000 में दो ऐसे गेमिंग लैपटॉप देखने को मिलेगा विद RTX 2050 ग्राफिक्स, वो भी फुल फ्लेज्ड भाई साहब। और अगर डिस्काउंट्स का भरमार उठाना है देन आप जुगाड़ लीजिए SBI का क्रेडिट कार्ड फॉर Flipkart डिस्काउंट और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड फॉर Amazon डिस्काउंट। और सबसे अच्छी बात ये लगी, आज जितना भी लैपटॉप बता रहा हूँ उसमें आधा से ज्यादा तो मैंने खुद रिव्यू कर रखा है एट माय चैनल, तो रिव्यू वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सो विदाउट एनी लेट, लेट्स गेट डाउन इनटू द लिस्ट। सो भाई पहला लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 3, इसका प्राइस है 35,990, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको 8,250 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट आपको ये लैपटॉप ओनली 27,740 में अवेलेबल हो जाएगा। i3 12th जन प्रोसेसर है, 1215U, यहां पर 6 कोर एंड 8 थ्रेड, 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर, बाकी 8GB ऑनबोर्ड रैम है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB, 512GB SSD है। एंड हां, जितने भी इंटेल i3 प्रोसेसर आता है यहां पर इंटेल UHD ग्राफिक्स ही देखने को मिलता है, नॉट आयरिस एक्सी। अगर आपको आयरिस एक्सी चाहिए देन यू कैन गो विद द एटलीस्ट i5 प्रोसेसर विद डुअल चैनल रैम। MS Office 2021 का लाइफटाइम सपोर्ट दिया हुआ है, 3 मंथ्स का गेम पास भी देखने को मिलता है और दोस्तों यहां पर 15.6 इंच का फुल HD TN पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है, ना ही यहां पर बैकलाइट कीबोर्ड है ना ही फिंगरप्रिंट रीडर है, 45 वाट आवर का बैटरी है, तो इजीली आप 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और यहां पर मैं इन ब्रीफ में बात करूंगा क्योंकि लैपटॉप को मैंने डिटेल में ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो हर चीज यहां पर बताने का कोई भी सेंस नहीं बनता, यहां पर मैं खाली टॉप लैपटॉप पिक करने आया हूं। देन दोस्तों जिनको 14 इंच का लैपटॉप चाहिए देन वी हैव ASUS VivoBook 15, ये लैपटॉप अभी 33,990 प्राइस में अवेलेबल हो रहा है और भाई यहाँ पर 5750 का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट इजिली आपको 28,240 में अवेलेबल हो जाएगा ASUS VivoBook 14। यहाँ पर भी i3 12th जन प्रोसेसर है, टोटल 6 कोर है, 8 थ्रेड, 2 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर, 8GB ऑनबोर्ड रैम है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB, 512GB जेन 3 SSD है, MS Office यहां पर भी दिया हुआ है, बट अच्छी बात यहां पर फिंगरप्रिंट रीडर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी 42 वाट आवर्स का बैटरी है, इजीली आप 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड अच्छी बात यहां पर भी सभी नेसेसरी पोर्ट है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट रीडर है, बाकी जो डिस्प्ले रहेगा ना 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले रहेगा विद IPS लेवल पैनल, नॉट IPS जो बेसिकली WP पैनल रहता है, 30,000 के बजट के हिसाब से डिस्प्ले इज डिसेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिनको एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ लैपटॉप चाहिए देन यू कैन गो विद द HP 15S लैपटॉप, AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप आता है, टोटल 4 कोर एंड 8 थ्रेड, यहां पर भी 8GB DDR4 रैम दिया गया है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB, 512GB SSD है, यहां पर भी आपको MS Office 2019 का लैपटॉप सपोर्ट देखने को मिलता है एंड गुड थिंग यहां पर भी टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है यार। और भाई इसका रेटिंग देखो 2660 का रेटिंग है, इससे आप समझ सकते हैं ये लैपटॉप को कितने लोगों ने लिया है और ये लैपटॉप का भी डिटेल रिव्यू चैनल प्रेजेंट आप देख पाएंगे। देन दोस्तों थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, ये वन ऑफ माय फेवरेट लैपटॉप है दैट यू कैन बाय अंडर द बजट ऑफ 32,000, अभी 35,990 में अवेलेबल हो रहा है, यहां पर आपको 4250 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिलेगा ऑन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट, ये लैपटॉप आपको 31,740 में अवेलेबल हो जाएगा। लैपटॉप है HP का 15S FQ5070U और भाई ये लैपटॉप को भी मैंने रिव्यू कर रखा है, i3 12th जन 1215U प्रोसेसर दिया हुआ है, टोटल 6 कोर एंड 8 थ्रेड, 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर, और भाई साहब ये लैपटॉप का सबसे अच्छी बात यहां पर आपको IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है ओनली एट द प्राइस ऑफ 31,740। सो दैट्स ग्रेट थिंग यार, क्योंकि ये बजट में हमको जनरली IPS पैनल देखने को नहीं मिलता, 8GB रैम है, 512GB SSD है, SSD एंड रैम बोथ आर अपग्रेडेबल, टाइप सी पोर्ट है, बैकलिट कीबोर्ड भी दिया हुआ है, दैट्स अमेजिंग, और 41 वाट आवर का बैटरी है, तो इजीली आप 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन ऑल द थिन एंड लाइट लैपटॉप फ्रॉम HP ब्रांड। देन दोस्तों जिनका बजट 30,000 से थोड़ा ज्यादा है और 14 इंच के साथ एक लैपटॉप चाहिए देन वी हैव डेल वोस्ट्रो 14, और ये लैपटॉप भी मैंने रिव्यू किया यार, काफी अमेजिंग लैपटॉप है, और डेल वोस्ट्रो 14 लैपटॉप का प्राइस है 34,490 आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट, आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा ओनली 29,240 रुपीज में और यहां पर सीधा 5250 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। सो भाई क्रेडिट कार्ड जुगाड़ो, नहीं है तो अपने दोस्तों को पूछो और डिस्काउंट का लुत्फ उठाओ। इंटेल i3 12th जन 1215U प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप आता है, यहां पर भी 8GB रैम है, 512GB SSD है, बट वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, यहां पर जो रैम है ना उसका फ्रीक्वेंसी ओनली 2667 MHz का ही है,
तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मैंने प्रॉपर टेस्टिंग किया, कोई भी दिक्कत नहीं है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। बाकी अच्छी बात, डेल के लैपटॉप का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा रहता है। 14 इंच का यहाँ पर WVA पैनल का डिस्प्ले दिया हुआ है एंड WVA पैनल और IPS पैनल को मैं एकदम इक्विवेलेंट रखना चाहूँगा यार। रैम एंड SSD बोथ आर अपग्रेडेबल और डेल के लैपटॉप का लेने का एक और फायदा रहता है यार, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है एंड आपको 15 मंथ्स का MCAFE एंटीवायरस देखने को मिलता है, दैट्स ग्रेट हियर। और देखो यार, जितने भी थिन एंड लाइट लैपटॉप है यहाँ पर आप इजिली 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे नॉर्मल वर्क, और प्रोसेसर भी यू सीरीज है तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहता है। बाकी डेल वोस्ट्रो 14 में ना ही बैकलेट कीबोर्ड है ना ही फिंगरप्रिंट रीडर है, सो दैट थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन। देन भाई, जिनका मेन प्रायोरिटी है खाली ब्राउजिंग, मतलब हमको ट्रेडिंग करना है, कॉन्टेंट कंज्यूम करना है, मूवीज वगैरह देखना है, देन हियर वी हैव वन अमेजिंग लैपटॉप फॉर ऑल ऑफ यू। लैपटॉप इज ASUS VIVO GO 15 OLED Ryzen 3 7320U प्रोसेसर दिया हुआ है, 8GB LPDDR5 RAM है, मतलब RAM आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट गुड थिंग इज दैट LPDDR5 RAM का फ्रीक्वेंसी काफी हाई रहता है तो आप आराम से मल्टीटास्किंग इजीली कर पाएंगे। 512GB का Gen 3 SSD है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल और ये लैपटॉप का प्राइस है 38,990 और ये डील ना फ्लिपकार्ट का है तो आपको 4750 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा ऑन SBI क्रेडिट कार्ड एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट ये लैपटॉप ओनली 34,240 में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी भाई, ये लैपटॉप का सबसे मेन आकर्षण यहाँ पर 15.6 इंच फुल HD OLED पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 600 nits पीक ब्राइटनेस एंड 100% DCI P3 कलर गामेट। सो जिनको 40,000 के अंडर फोटोशॉप वगैरह चलाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करना है, देन डेफिनेटली ASUS VIVO GO 15 OLED विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। देन भाई, एक लैपटॉप जो काफी मोस्ट सेलिंग रहता था अंडर द बजट ऑफ 40,000 वो आपको सिर्फ 36,990 में अवेलेबल हो रहा है और यहाँ पर अगर आप बैंक डिस्काउंट लगाएंगे तो 4750 का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट ASUS VIVO 15 विद i3-1220P सीरीज प्रोसेसर आपको सिर्फ 32,240 में अवेलेबल होगा। यहाँ पर पी सीरीज का प्रोसेसर है, दैट्स ग्रेट हियर। और भाई, 32,000 के लैपटॉप में आपको 10 कोर देखने को मिलते हैं, 12 थ्रेड, 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 इफिशियंट कोर एंड यहाँ पर भी आपको 8GB DDR4 RAM देखने को मिलता है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB 512GB का Gen 3 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल बट गुड थिंग इज दैट यहाँ पर MS Office 2021 का लाइफटाइम लाइसेंस दिया हुआ है बट यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, दैट यू हैव टू कम्प्रोमाइज, बट अच्छी बात फिंगरप्रिंट रीडर दिया हुआ है फॉर योर सिक्योरिटी। लैपटॉप काफी अच्छा है, यहाँ पर भी सभी नेसेसरी पोर्ट्स है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट, US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड रहते हैं ASUS के सभी लैपटॉप और वही 42 वाट आवर्स का बैटरी देखने को मिलता है ASUS VIVO 15 तो आप आराम से 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बट इसका डिस्प्ले उतना भी अच्छा नहीं है यार, ये भी लैपटॉप मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है। सो अगर आप 3-4 हज़ार बढ़ा सकते हैं देन वी हैव वन अमेजिंग लैपटॉप इन द लिस्ट, दैट इज ASUS VIVO 16X। ये ना अभी तक मैं 50,000 के अंडर बेस्ट लैपटॉप में इसको सिलेक्ट करता था लेकिन भाई अभी ये ओनली 43,990 में अवेलेबल हो रहा है और सीधा 5750 का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द डिस्काउंट ये ओनली 38,240 में अवेलेबल होगा। यहाँ पर Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड और भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है यार, एच क्लास प्रोसेसर है, 8GB DDR4 ऑनबोर्ड रैम है बट यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, मैक्सिमम आप 16GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे, 512GB का Gen 3 SSD है और MS Office 2021 भी है। ये लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है, सीधा 16 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है विद 300 nits पीक ब्राइटनेस, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। 300 nits का ब्राइटनेस काफी अमेजिंग रहता है यार, जिससे जो कलर्स है वो और निखर के आते हैं बट कलर गैमेट है वही 45% NTSC। यहां पर भी आपको 50 वाट आवर्स का बैटरी देखने को मिलता है, इजीली आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप यहां पर भी देखने को मिलेगा और ये लैपटॉप भी मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। देन भाई, ऑनर का एक लैपटॉप देखने को मिला, ये मेरे को काफी अमेजिंग लगा क्योंकि इसका प्राइस है अभी 43,990 और दोस्तों यहां पर 6250 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट ये लैपटॉप ओनली 37,740 में अवेलेबल हो रहा है तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा यार। और यहाँ पर ना i5-12450H का प्रोसेसर दिया हुआ है, टोटल 8 कोर एंड 12 थ्रेड, 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर और एच क्लास प्रोसेसर है तो काफी ज्यादा पावरफुल रहता है और सीधा 16GB का LPDDR5 RAM दिया हुआ है विद 512GB Gen 3 SSD, दैट्स अमेजिंग हियर यार। यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग सपोर्टेबल है, 42 वाट आवर का बैटरी है,
बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है, और क्या चाहिए भाई। और यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है ना वो 10 GBPS वाला है, तो आई डोंट थिंक ये बजट में आपको कोई और लैपटॉप मिलेगा जो इतना स्पीड वाला आपको टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड करे। बट मेरा एक क्लियर रिकमेंडेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा आपके एरिया में ऑनर का सर्विस सेंटर है कि नहीं, अगर रहेगा तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर 16 इंच का फुल HD IPS पैनल का डिस्प्ले दिया हुआ है, बट मेरे को कहीं भी MS ऑफिस नजर नहीं आ रहा है, सो प्लीज नोट इट डाउन। एंड दोस्तों अब हमारे गेमर भाइयों के लिए खास लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किया है। दो मेरे पास लैपटॉप है यार अंडर द बजट ऑफ 40,000 जो प्रॉपर डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप है। पहला लैपटॉप है लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 जो राइजन 5 5500H प्रोसेसर के साथ आता है, टोटल 4 कोर है एंड 8 थ्रेड। प्राइस सुन लो भाई, अभी ये लैपटॉप लिस्ट हुआ है 44,990 के प्राइस में और यहाँ पर 1,000 का कूपन डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो प्राइस हो गया 43,490। एंड सीधा 3250 का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट ये आपको सिर्फ 40,240 में अवेलेबल हो जाएगा। और काफ़ी शानदार लैपटॉप है यार, यहाँ पर भी 8 GB रैम है विच इज़ फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16 GB, 512 GB का जेन 3 SSD है वो भी आप अपग्रेड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, एंड अच्छी बात यहां पर आप HDD भी लगा पाएंगे 2.5 इंच का। और भाई सबसे बवाल चीज, NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है ओनली एट द प्राइस ऑफ 40,000। और क्या ही बोलूं भाई, जिनको एडिटिंग करना हो, गेमिंग करना हो, या आप 3D मॉडलिंग या हैवी वर्क के लिए लैपटॉप खोज रहे हैं, देन डेफिनेटली Lenovo IdeaPad Gaming 3 विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले दिया हुआ है, एंड सबसे मजे की बात 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और क्या ही चाहिए भाई, ये प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जाइए। वाइट बैकलिट कीबोर्ड है एंड ओवरऑल थर्मल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है Lenovo IdeaPad Gaming 3 सीरीज। देन जिनको सेम प्राइस पॉइंट में इंटेल के प्रोसेसर के साथ एक गेमिंग लैपटॉप लेना है, देन वी हैव MSI GF63। ये लैपटॉप का भी प्राइस है 44,900, आफ्टर अप्लाइंग बैंक डिस्काउंट ये ओनली 42,240 में अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पर i5 11th Gen 11260H प्रोसेसर दिया हुआ है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड, और मजे की बात 16 GB DDR4 रैम है, 512 GB का SSD है, मैक्सिमम आप 32 GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे ऑन MSI लैपटॉप। बाकी भाई यहाँ पर भी NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक्स दिया हुआ है, मतलब आप फुल फ्लेज्ड गेमिंग कर पाएंगे, GTA 5 हो गया, RDR2 हो गया, AAA टाइटल्स आराम से इंटरमीडिएट सेटिंग्स में प्ले कर पाएंगे। एंड यहाँ पर भी वही 52.4 Wh का ही बैटरी दिया हुआ है, तो आप इजिली 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करें नॉर्मल वर्क। एंड यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले दिया हुआ है विद 45% NTSC कलर गैमेट एंड ओनली 60Hz रिफ्रेश रेट, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। बाकी अगर आप Lenovo IdeaPad Gaming 3 लेंगे ना तो वहाँ पर 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। सो दोस्तों ये था बेस्ट लैपटॉप पिक्स अंडर द बजट ऑफ 30,000 to 40,000 दैट यू शुड बाय इन Flipkart and Amazon sale. और भाई सभी लैपटॉप के बेस्ट बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इन अरेंज्ड वे डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, और करंट प्राइस भी देख लेना यार लिंक में जाके, क्योंकि ना प्राइसिंग काफी ज्यादा चेंज होते रहते हैं। बाकी आप ICICI एंड SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड जुगाड़ लो फॉर द अमेजिंग डिस्काउंट। सो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।